तो हेलो गाइज, मैं रंजन आपके अपने चैनल ऑल न्यू कबूतर टिप्स एंड ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूँ। सो गाइज, होप करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे, आपके सारे ही पालतू जानवर बढ़िया होंगे। भाई देखो भाई, छत पर आ चुका हूँ मैं। अभी कबूतर अंदर है, कबूतर छांटे भी नहीं है अभी, ठीक है, देख सकते हो दोनों जाल बंद है। अभी जस्ट मैंने छत की सफाई करी है, बिल्कुल चिकनी कर दी है, और अपने शेरों को दाना दे दिया मैंने। सुबह से खुल रहे थे तो, क्योंकि इनको पूरा 3 दिन बाद खोला था मैंने, क्योंकि ना मैं शाम को ना थोड़ा जल्दी नीचे उतर जा रहा था, इस वजह से मैं इनको दाना नहीं दे पा रहा था। मतलब दाना तो दे रहा था, मतलब बाहर नहीं खोल पा रहा था, अंदर ही दाना दे रहा था। बाय द वे, जैसा भी है, चलो ताला वाला खोलते हैं, ज़रा कबूतर छांट लेते हैं, ठीक, फिर आपसे बातें करते हैं ज़रा। और जैसा कि आपने नेक्स्ट वीडियो में देखा था कि हम अपने सैदी भाई का पीछा कर रहे थे ना, तो भाई कल ऐसा सीन हुआ, कल भी मैं वीडियो नहीं बना पाया था, एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो बना रहा हूँ मैं। बाय द वे, कल का सीन अगर सुनते तो भाई आप हंसी आ जाती, ठीक है, भाई भी वीडियो देखते हैं, बट वो वाली बात नहीं है। पर यार कल तो भाई लिटरली भाई हमने शाम के 6:30 बजे तक कबूतर उड़ाए, बिल्कुल मतलब एंड तक हमने देखा कि भाई कब तक कबूतर नहीं उठाते हैं। और लिटरली भाई जब तक मेरे कबूतर उड़े ना, जब तक भाई ने कबूतर नहीं उठाए, तो यार ये गलत बात थी भाई की। अपना शौक कर रहे थे, अपना करते भाई, हम तो पीछा कर रहे हैं वो अलग बात है, उसकी छोड़ो, कम से कम मतलब यही सोच के करते कि चलो यार कोई पीछा नहीं कर रहा, हमारा तो टाइम है 5:30 बजे का, 5:30 बजे खोलते हैं। तो नहीं, ऐसा भाई ने नहीं करा, तो कोई नहीं, मेरे को भी कल थोड़ा ऐसा लगा कि यार क्या यार भाई ने भी क्या करा। भाई मानोगे नहीं, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, और ये तो भाई भी जानते होंगे अगर वीडियो देख रहे हैं तो। पिछले सीज़न जब मेरे नए कबूतर आए थे ना, तो 2-3 दिन बाद ही मतलब उठाए थे मैंने, मतलब उठा के ना 2-3 दिन बाद ही गलती से लड़े भाई से, मैंने जानबूझकर नहीं लड़ाए थे, मतलब भाई भी पीछा कर रहे थे एक तरीके से मानो। जब मैं 5 बजे खोलता था तो भाई के भी 5 बजे खुलते थे, भाई के पुराने कबूतर थे, ट्रेन कबूतर थे पिछले सीज़न के, मेरे बिल्कुल कोरे कबूतर थे, नए कबूतर थे। और भाई मैं मतलब अपना आगे पीछे करता था, मतलब मकान की साइड ही आगे करता था, उधर साइड ही जाते थे वो, तो मतलब भाई भी उड़ा देते थे। तो भाई में एक दिन गलती से लड़ गए, और गलती से लड़ते ही भाई का एक कबूतर आके बैठ गया, मेरा उस दिन कोई नहीं गया। फिर मैंने कहा चलो मेरे को लग रहा है कि मेरे कबूतर सुलझ गए हैं, मतलब सीख गए हैं आना जाना, तो अच्छा रहेगा। तो भाई मैं डेली लड़ाता था, मतलब 3rd-4th दिन के अंदर ही मैंने अपने नए कबूतर लड़ा दिए थे, ये देखो। और भाई के उसमें कितने सारे पुराने हैं, थोड़े बहुत अभी के नए भी हैं, हमारे भी नए हैं, ऐसी बात नहीं है। ये कबूतर लड़ रहा है, ये नया है, ठीक है, ये मकोया लड़ाऊंगा, ये भी नया है, ये फुलसरा लड़ाऊंगा, ये नया है, ठीक है, और ये हरा हो गया, ये नया है, ये पिछले सीजन भाई भाई से लड़े नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, ये हमारा लड़ा हुआ कबूतर है, ये नहीं लड़ा हुआ, ये लड़ा हुआ है, ये भी नहीं लड़ा, ये भी लड़ा हुआ है, ये लड़ा हुआ है, सुर का नहीं लड़ा। तो भाई देखो, हम तो अपनी पूरी चीदारी दिखा रहे हैं भाई, नए कबूतर हमारे भी हैं, तुम्हारे भी हैं, पर भाई मुझे कल अच्छा नहीं लगा। मतलब अच्छा क्या भाई, आप अपना शौक करो, बस वही मैंने देखा था कि मतलब कब तक कबूतर नहीं उठाते हैं। और लिटरली जब मेरे कबूतर ने तावा खाया ना पहला, तब उनका तुरंत कबूतर उठा वहाँ से, मैंने कहा मतलब भाई ने देख लिया कि अब जो ना तावे देना स्टार्ट कर दिए हैं, अब कबूतर खोल दो। तो कोई नहीं, छोड़ो, बात तो अपनी ऐसी चलती रहेगी, भाईचारा अपनी जगह, कबूतरबाजी अपनी जगह, बस थोड़ी सी ये बात बतानी थी मुझे आप लोगों को, इसलिए मैंने बताई, ठीक है भाई। बाकी कोई गिला शिकवा नहीं है अपने भाई से, अपने भाई भी अच्छे हैं, हम भी अच्छे हैं। चलो कबूतर छांटते हैं सबसे पहले, और फिर मिलते हैं आपसे। तेरे वाले कबूतर दे। ए! फाइनली कबूतर उठा दिया भाई, देख सकते हो। अच्छा गए थे भाई आज, देख सकते हो, वो तो कैमरे में अच्छी तरीके से जूम करके दिखा रहे होंगे हम लोग, भाई बुला लेते हैं, बिना आवाज़ के उतर जाएंगे, देख लो, बस हाथ दिखाने की दे रहा है ऐसे, कैसे सिर्फ ऐसे, और उड़ रहा है तो उड़न दो कबूतर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपना सही से कॉलोनी देख रहा है अपना, कोई दिक्कत नहीं है अपने को, देख लो बिना सीटी के भी फिर दोबारा चला गया वहाँ तक। और चाल वाल बताना भाई कबूतर की कैसी है चाल, मेरे हिसाब से ऊपर वाले की दुआ से हमारी मेहनत से अच्छी चाल है, जो कि होनी चाहिए इतनी चाल कबूतरों की,
ये घर की वापसी करते हुए घर दिखते ही तुरंत पर रोक लिए कबूतरों ने। बताना जरूर भाई कैसे उड़े कबूतर। हाँ भाई बढ़िया उड़ रहे हैं। आ बेटे आ बेटे आ आओ नशेड़ी आ तो भाई देख सकते हो कबूतर उतर चुके हैं और आज भी लग रहा है भाई कबूतर उड़ाने से रहे भाई जी हमारे। भाई जब आज भी देखते हैं हम तो अपना मौज ले रहे हैं, खौफ बैठा रहे हैं कॉलोनी में। नहीं भाई मज़े ले रहे हैं, खौफ नहीं बैठा रहे हम तो भाई। अपना कबूतर सेट कर रहे हैं अपना और ऐसे ही करेंगे ठीक है। अभी सही में बताऊँ ना भाई, नॉर्मली सिर्फ और सिर्फ इनको अब आमा हल्दी और सिर्फ मुलैठी दे रहे हैं, हल्की हल्की घिस्सा बस वही है ठीक है। हल्के हाथों से घिस्सा मारो, सही चल रहे हैं कबूतर अपना बढ़िया। बाकी खेल वेल जो है अभी देखेंगे, कुछ नहीं लगाया है। लड़ाइयों पर देखेंगे चिकनावा पिकनावा, अभी तो कुछ नहीं है, अभी लड़ाइयाँ चालू हुई नहीं है अपनी। बाय द वे वीडियो को मौज लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ठीक है। बाय द वे देखते हैं आज भी दिखाएंगे कि कैसा हो रहा है कबूतरबाजी अपनी। हेलो भाई रुक जाओ, मैं मिला तो लेंदे पहले। ओ ये बम फोड़ दे रही है तो लग रहा भाई दिवाली तक ऐसे कर देंगे कबूतरों को। बाबू कह रहे खुले नहीं बाबू को भी तेरे बम फोड़ उड़ा रहे हैं ना, बम फोड़ के गलत दे फोड़ गए। जब बराबर है अच्छा गया, उनकी कावली को तोड़ गए। वो ट्रायल ले रहे हैं कि भाई देखो हम आज भी नहीं उड़ाएंगे अभी। वो तो डाली भाई देख रहा है यार गलत हमारे दीप वाले जी का कुछ उड़ाया करो भाई यार। क्या है यार कबूतरबाजी से बड़ी क्या है, हम तुम्हारे दो पकड़ लेंगे तुम हमारे दो पकड़ लोगे। बिक्कू भाई और भाई बिक्कू भाई विकास यादव भाई, भाई का चैनल सब्सक्राइब करें स्मार्ट पिजन। सकल देखो भाई स्मार्ट पिजन भाई के चैनल का नाम है, मेहनत कर रहे हो। हां भाई फोन टूट गया था आज ही तक। देखो नया फोन दिखाओ भाई का। अरे मेरी जान देखो भाई एकदम नया हटे बचो हटे बचो बिल्कुल पीछे का बिल्कुल बैक पैनल बिल्कुल चाहिए हो 5000 में बिक रहा है भाई यार इतने बम फोड़ेंगे यार। देख कहीं 5000 रुपए दो दिन उड़ गए जंगली भी आवे तू भाई। ओ बेटे ये तो भाई मुझे लग रहा है दिवाली तक ऐसी तैसी कर देंगे मेरी। अगर सपोज करो शहदी भाई का कबूतर ही बैठा हो ना ये तो बम फोड़ देंगे वो तोड़ के भाग जाएंगे। अरे वो तो होता रहता कोई नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बैठ रहो अब क्यों नहीं उड़ना ठीक है। बम फोड़ दे चला भाई कैसे उड़ दे भाई। देखो कबूतर बैठे हुए चेक करें भाई ठीक है, आपको शौक करा रहे हैं। कबूतर आसानी से बैठा हो ना, आराम से बैठा हुआ इसलिए दिखा भी रहा हूँ मैं, वरना इतने तो ये भाई इधर उधर फड़कते रहेंगे। उड़ते तो इतनी जल्दी है क्या ही बताऊँ। देख सकते हो अपने चेक करें और कमेंट्स में ज़रूर बताना भाई कैसे हैं कबूतर। यादों के लिए एक बार आपको कबूतर शौक करा देता हूँ कि हाँ भाई हमारे पास इस सीज़न में ऐसे ऐसे कबूतर थे ये देख सकते हो भाई ठीक है। तो अभी जो है शाम होने आई है और बम के चक्कर में भाई बड़ा पूरा हाल है देख सकते हो। जंगली कबूतर इतने सारे उड़ रहे हैं आप इसी तरह अंदाज़ा लगा सकते हो कैसे मैंने रोक रखा है इनको। मतलब भाई धै बम ही बम फोड़ रहे हैं, देख रहे हो जंगली बार बार उड़ जा रहे हैं भाई और इस वजह से दिक्कत है थोड़ी। बाय द वे आज भी कबूतर मेरे हिसाब से
भाई लेट ही खोलेंगे, सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हम तो अपने बस मजे ले रहे हैं, वो तो धूप की वजह से हमने टाइमिंग चेंज कर दी थी, तो हमें लगा क्या पता भाई भी उड़ाया करेंगे, बट भाई तो उड़ाते ही नहीं है, तो कोई बात नहीं है। अपना मौज लो भाई, आप भी और हम भी, अपना तो डेली चल ही रहा है। एक ना एक दिन तो भाई लड़ाएंगे, वो तो हमें ही पता है, आज नहीं तो कल, पर लड़ने जरूर है अपने कबूतर, ठीक है। मैं अपने आप को भाई वो नहीं समझता कि हाँ भाई मैं खलीफा बन गया हूँ, ठीक है भाई, ये लोग मत सोचना आप लोग कि मैं खलीफा बन गया हूँ, खुला चैलेंज कर रहा हूँ, नहीं भाई, बस आप उड़ाते थे अपने टाइम पर, मेरा भी टाइम वही हो गया था, तो मैंने सोचा क्या पता भाई उड़ाए करेंगे, तो थोड़ा भाई के भी घर के तक भेज लिया करेंगे, क्या पता लड़ जाएं, तो वही वाली बात है भाई। दो कोई नहीं, ठीक है, और नए कबूतर भी जल्दी खोलूँगा, सोच रहा हूँ थोड़े बहुत और कबूतर ले आऊँ, तो अंदर ये नए कबूतर देख सकते हो, कितने कबूतर हैं नए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कबूतर हैं, ठीक है, और 3 अपने हैं, मतलब अंदर टोटल अभी 10 कबूतर है, मतलब अच्छा खासा पल्ला हो जाएगा अपना भी, पर लड़ेंगे तो देखेंगे, लड़ाएंगे ही बाकी तो सीजन में, बाहर तो वही होंगे 30-1 होंगे, 30 से कम ही होंगे, गिनते थोड़ी ना है, बस अंदाज़ा लगा सकता हूँ मैं, पर इतने तो हैं भाई, देख सकते हो विक्की भाई, विपिन भाई आज आए नहीं, और कृष्णा भाई हमारी गली में ही रहता भाई अपना, चलो मौज लेते हैं, तावे वावे देंगे, अब तो शाम हो गई, ठीक है, तावे वावे देते हैं, एक दो हाथ और उड़ाऊँगा फिर तावे वावे दे के बंद कर देंगे। तो भाई टाइम देख सकते हो 5:55 हो चुके हैं, और कबूतरों का बंद करने का समय होने वाला है, ठीक है, तो मतलब तावे वाले कबूतर खोल देता हूँ, जो नए वाले हैं ना, आओ आओ चलो, ये काली हो गई, ये बच्चा हो गया, ए, ए, ए। नहीं नहीं अंदर नहीं जाना बाबू, अभी बाहर चलो आप, ठीक है, एक कबूतर ये रह गया, ये रहा, इधर आओ, चलो बाहर चल, अरे लगे ये लूट मचा दी इन्होंने तो, चलो चलो आओ। और भाई काफ़ी सारे भाइयों के कमेंट्स आ रहे थे, ठीक है, एक ही कमेंट आ रहे हैं मतलब ज़्यादातर, तो कि भाई लड़ाइया दिखाओ, लड़ाइया दिखाओ, तो जल्दी ही दिखाएंगे, थोड़ा सब्र करो भाई, बाकी आप लोग वीडियोस पर कमेंट्स करते हो तो अच्छा लगता है, ठीक है, नाइस वीडियो, कांग्रेचुलेसन, सो 4-200 के सब्सक्राइबर्स, ऐसे ऐसे, बाय द वे आप लोग कमेंट्स हट के भी करा करो, जैसे आप लोगों को कोई डाउट हो ना तो वो भी करा करो, ठीक है, जैसे कुछ पूछना हो, अब एक भाई ने पूछा था कि टोली में कबूतर कैसे उड़ाते हैं, ठीक है, तो भाई अपने गोले कबूतर हैं, और ख़ासकर इनको इन नामों से जाना जाता है, टोली वाले कबूतर या झुंड वाले कबूतर, ठीक है, आपको मैं अभी एग्जांपल दिखाता हूँ, आप तो देखते ही होगे वैसे, ये देख सकते हो, एक साथ उठते हैं और एक साथ ही चलेंगे चिपककर, और एक साथ ही वापस आएंगे, ये देख सकते हो एक साथ आए ना, तो भाई ये क्या है, हमने इसमें कोई खेल नहीं लगाया, ना ही कुछ करा, बस सिखाया गया है, वो कैसे, सिर्फ दाने का खेल है, और ये एक साथ उड़ रहे हैं, एक साथ आएंगे, तो इस तरीके से उड़ते हैं, इनको सिखाना पड़ता है भाई, बाकी जितना मुझे पता उतना मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, शुरू में मैंने इनको खोला था ना पूरे, मतलब 4-5 महीने बाद, लिटरली मानोगे नहीं भाई, सारे कबूतर वहाँ बैठे थे, वो मैंने दिखाया नहीं पहले दिन, ठीक है, क्योंकि पहले दिन कैमरा वैमरा मेरे को इतना ध्यान नहीं आया, बस डर था एक कि भाई नए कबूतर खोल रहा हूँ कैसे रहेंगे कैसे नहीं, बाकी वो चीज़ था, और अकेला हूँ, कबूतरों ने बिल्कुल परेशान कर रखा भाई, कभी चने पे मुंह मार रहे हैं तो कभी इधर मुंह मार रहे हैं, अरे ये देख सकते हो, बस एक सीटी की मारने की दे रहा हूँ, सारा पर कपर उठता है, एक कबूतर छत पे नहीं रहता, मेहनत देख रहे होगे आप लोग, पहले बैठे भी रहते थे एक आधा कबूतर, बट अब नहीं बैठे रहते, तो भाई ये अपनी मेहनत है और लगन है, ठीक है, बाकी रही बात वो कि टोली में कैसे उड़ाएं, तो भाई ऐसे ही उड़ते हैं, बस दाने का हिसाब किताब है इनका, गोले कबूतरों को बता सकता हूँ मैं, दाना थोड़ा खींच के रखो अभी, नए कबूतर हैं तो, ठीक है, और चाहे पुराने ही हो, दाना नाप के दो उनको, एक आधा बैठ रहा अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, थक जाते हैं यार भाई, जानवर है, मैं भी बेरहम नहीं हूँ, ओ ये देख सकते हो भाई, बहुत ही अच्छे, मतलब लिटरली भाई मज़ा आता है इनको देखकर, ठीक है, तो भाई और ये भी होता है कि जैसे लड़ाइयाँ वड़ैया चालू होती है ना, तो मैंने सुना है कि टोली में उड़ाते हैं तो इत्र पित्र लगाते हैं, वो तो पहचान के लिए लगाते हैं कि कबूतर फटे ना जल्दी, ठीक है, तो अभी वो नहीं करना, बस अपना दाना खींच के रखो आप, ये देख सकते हो दाना ख़त्म होते ही उठ रहे हैं कबूतर, तो अब पर गिरी भी अच्छे हैं यार ऊपर वाले की दुआ से, आओ बेटे, और आज विपिन भाई आए नहीं, बिल्कुल अकेला ही हूँ मैं, ठीक है, और कबूतर भाई भाई के अभी तक नहीं खुले हैं, 6 बज चुके हैं, ठीक है, वो काबली उड़ रहे हैं उनके अभी तक वहाँ पे, सो कोई नहीं है, 19 से लड़ैया होगी भाई, देख लो भाई ने अभी खोले नहीं है, वो पीछे उड़ेंगे, ठीक है, तो लड़ैया बस थोड़ा सब्र रखो, हम तो तैयार हैं भाई लड़ाने के लिए, बाकी भाई अभी शायद तैयार नहीं है इस वजह से, ठीक है,
तो होप करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो में मज़ा आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे और मज़ा आया हो तो लाइक करना भाई, अब तो बंद करने का समय हो चुका है। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, सब तक के लिए बाय। ठीक है भाई, कल विपिन भाई आते हैं ना तो उनसे बात करते हैं टोली वोली के बारे में। बाकी आप वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना बस, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।